हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट डे इन हिसार। तो अभी हम सीधा जा रहे हैं अग्रवाह धाम पे, क्योंकि यहाँ की सबसे जो फेमस प्लेस है वो है अग्रवाह धाम। तो हम जाएंगे अग्रवाह धाम, वहाँ पे विजिट करेंगे वहाँ का टेंपल, और साथ में ही वहाँ पर एक केव है, गुफा है, जो कि काफी फेमस है और लोग काफी वहाँ पे जाना पसंद करते हैं। और उसके साथ में ही एक हिस्टोरिकल प्लेस है, टाइप की कोई प्लेस है जहाँ पर कोई पहले शहर हुआ करता था, और आफ्टर सम टाइम वो शहर जो है जमीन के नीचे कहीं दबके रह गया। आई डोंट नो व्हाई, कोई अर्थक्वेक होगा या फिर कुछ और किसी क्लाइमेटिक सिचुएशन की वजह से। तो भाई आप लोग भी अपने घर से निकल के घूमना फिरना शुरू कर दो, क्योंकि घूमने फिरने से आपका मेंटल लेवल, स्ट्रेस लेवल काफी डाउन हो जाता है। और मोर ओवर आप घर से निकलते हो, घर का एनवायरमेंट आप जब चेंज करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लग जाता है। और सबसे बड़ी खुशी आपको ये होती है कि आपकी बीवी खुश रहती है, और अगर आपकी बीवी खुश रहेगी तो आपके घर में शांति बनी रहेगी और बच्चे भी खुश रहेंगे, अदरवाइज घर में तो बंदा इरिटेट रहता है। तो भाई अपना तो यही है, छुट्टी मिली, टाइम मिला और निकल लिए। और अब आप लोगों के साथ में तो मैं और भी इंजॉय करता हूँ कि मुझे एक बहाना मिल गया घूमने का। आप लोगों के बहाने में नई नई जगह जाने की कोशिश करता हूँ और नई नई जगह को एंजॉय करता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये अग्रवाह धाम का एरिया आ गया और यहाँ से अपने को लेफ्ट लेना है। ये खुला हुआ है क्या? 2 बजे? ये हम आए थे अग्रवाह धाम में, तो ये है अग्रवाह धाम का गेट जहाँ से हमें अंदर एंटर करना था। लेकिन ये सिक्योरिटी वाले जो सर हैं ये हमें बता रहे हैं कि अभी जो है 1:30 बज रहे हैं, तो 1:30 से 2 बजे जो है इनका लंच टाइम है, तो 2 बजे खुलेगा। तो एक और, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक और जगह है जहाँ पर पुराने अवशेष मिले हैं, पुराने संस्कृति के, हमारे जो हड़प्पा संस्कृति इंडिया के अंदर। तो अभी फिलहाल सोच रहे हैं कि वहाँ चल पड़ते हैं, वहाँ जाके उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हम आगे हैं, ये पुरातत्व सर्वेक्षण केंद्र के अंदर है अभी ये जगह, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन जो संस्कृति है उसके अवशेष मिले हैं। तो ये देख सकते हो आप, इस टाइप से है ये जगह, आपको दिखाई देगी यहाँ छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी सी ईंटें हैं टाइप से, मतलब कुछ होगा पुराने टाइप का यहाँ पर। और ये इस टाइप से हम यहाँ पे अंदर आ चुके हैं, ये दो रास्ते यहाँ से निकल रहे थे तो मैंने लेफ्ट टर्न ले लिया। यहाँ पे हम चलते आगे, इस साइड को ज़्यादा जंगल है, ये जंगल सारा इसीलिए से एक्सप्लोर हुआ है कि यहाँ पर ये पुराने अवशेष जो है मिले। तो यहाँ पे ये है पार्किंग प्लेस। तो फिलहाल अभी गाड़ी को करते हैं यहाँ पे स्टैंड और चलते हैं अंदर, देख के आते हैं कि क्या। सो फ्रेंड्स ये हम आ चुके हैं अग्रवाह धाम के अंदर, इंटीरियर में काफी अंदर आके अग्रवाह धाम के नियर बाय जो पुर्तगाल, जो मैंने आपको बताया था कि पुराने एक हड़प्पा संस्कृति की कुछ पहचान मिली है यहाँ पर। तो ये मेरे साथ है सुमन, हम दोनों आए हैं यहाँ पर, और ये है वो जगह जहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये प्लेस है जहाँ पर ये पुराने टाइप की वो संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो ये देखिए इस टाइप से है यहाँ पर, ये आपको लग रहा होगा कि ये ह्यूमन मेड बहुत पुराने टाइप की कुछ जगह है ये। तो ये इस टाइप की ईंटें जो कि आजकल अवेलेबल नहीं होती है, तो ये इस टाइप से है। आप देख लीजिए शेप के, जो पत्थर जो भी कुछ मिला हुआ उस हिसाब से इन्होंने लगा रखा है। इसके अंदर कुछ भी एड ऑन नहीं है, सिर्फ ये जिस टाइप से पुराने जमाने के अंदर किसी लोगों ने ये बनाया होगा तो उसी टाइप से ये इसको इन्होंने सिर्फ साफ सुथरा करके रखा हुआ है। तो ये देखिए कुछ कमरा टाइप का इन्होंने यहाँ पे रखा है बनाकर। और तो ये है, ये सिद्धार्थ जा रहा है उसके ऊपर देखने के लिए। तो सिद्धार्थ किसी चीज को छेड़ना मत। तो फ्रेंड्स ये पुरानी संस्कृति को देखते हैं जब हम, तो हमें बड़ा अच्छा सा एक फील आता है ना कहीं। तो ये सीढ़ियां हैं जो जा रही हैं इसके नीचे, तो ये आप देख सकते हो। सीरियसली गाइस देखने वाली जगह है, अगर आप यहाँ पे आकर देखना चाहो तो आपको देखने में अच्छा लगेगा। तो ये देखने में वैसे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे पुराने अवशेष मिले हैं, लोग बताते हैं कि काफी यहाँ पर पुराने अवशेष मिले हैं चीजों के, लोगों के रहने का एक हमें लगा है कि यहाँ पे लोग पहले रहते थे। ये देखिए कितना डाउन है सिटी, ये बेसिकली एक टाइप ऑफ सिटी है
जहाँ पर पहले के जमाने में लोग शायद रहते थे, और ये इस टाइप से उन्होंने एक शहर बना रखा था। और आप सामने की तरफ अगर देख पाओगे तो वहाँ पे कुछ काफी सारे शॉप्स टाइप, कुछ दुकानें टाइप लग रही है कि बनी हुई है। तो ये सिद्धार्थ यहाँ पे एंजॉय कर रहा है, यहाँ पर सिद्धार्थ था। हाँ मैं आता हूँ। सुमन देख रही है यहाँ पर, धूप बहुत तेज है गाइस, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो मतलब इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी हो रखी है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। लेकिन सिर्फ ये मैं शूट कर रहा हूँ यहाँ पर आकर आप लोगों के लिए, कि आप लोग अपने घर बैठे बैठे इस चीज को एक्सप्लोर कर पाओ। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये कोई टाइप का, ये जिस शॉप्स की मैं आपसे बात कर रहा था कि ये एक पुराने टाइप की कोई जगह है, कोई बस्ती है या कुछ इस टाइप से है। तो यहाँ पर ये मैं आपको दिखा रहा था कि ये यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें टाइप से कुछ बना हुआ है। तो शायद मुझे, मेरे अकॉर्डिंगली ये शायद कुछ दुकानें होंगी, पहले के ज़माने में यहाँ पे सामान बेचते होंगे। और ये यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है, जैसे हम फिल्मों में या फिर हम अलादीन की मूवीज़ के अंदर या अलादीन का पुराने वाला अगर हम वो देखते हैं कि अलादीन जैसे जिस सिटी में रहता था अरेबियन, तो उस टाइप से ही ये दुकानें बनी हुई है, जैसे छोटे छोटे ऊपर हो सकता है कि इसके ऊपर टेंट लगा रखा हो। और ये इस टाइप की दुकानें पुराने समय के लोगों की, तो यहाँ पर हो सकता है ये बैठ के सामान बेचते होंगे। तो ये देख लीजिए, तो ये है इस टाइप से पुराने जगह के अवशेष, जैसे मैं आपको बता रहा था। तो आप देख सकते हो कि छोटे छोटे ब्लॉक्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, बिल्कुल छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, ऐसे लग रहा है किसी तरह से कनेक्टिंग आपस में, मतलब एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाने का कोई रास्ता है। हो सकता है कि इधर एक साइड पे ऊपर कोई गैलरी हो, और ये इसके पीछे पीछे शायद रूम है, ये एक कमरे के पीछे दूसरा कमरा। तो ये इस एक ही शेप के ऊपर बना हुआ है सारा का सारा पैटर्न, इनका एक ही है, एक जैसा लग रहा है देखने के अंदर। तो और ये जो मैं आपको दिखा रहा था हाइट के ऊपर, थोड़ी हाइट है यहाँ पर, और ऊपर हो सकता है कि नाच गाना कोई चलता हो पुराने जमाने में, यहाँ पर डांस वगैरह के लिए कोई स्टेज हो, यहाँ पर डांस वगैरह चलता होगा। और ये एक सिटी है सम काइंड ऑफ पुराने टाइप की। तो ये है यहाँ पर संस्कृति, हमारी हड़प्पा संस्कृति के अंदर। और यहाँ की जो आप ईंटें देखोगे, तो ये ईंटें भी काफ़ी छोटी 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 ईंटें इन्होंने इस्तेमाल में ली हैं, जिस टाइप से जैसे कि अभी पुराने किलों के अंदर ये ईंटें होती हैं, उसी टाइप की ये संस्कृति यहाँ पाई गई है। और यहाँ पर ये पुर्तगाल विशेषज्ञ ये बताते हैं कि एक सिटी थी जो कि लोग यहाँ पर रहा करते थे। तो यहाँ पर ऊपर नीचे, मतलब ये रास्ते ऐसे लग रहे हैं देखने में जैसे अलादीन की हम मूवीज के अंदर देखते हैं ना, ये रास्ते नीचे को जा रहे हैं, नीचे ऊपर साइड पे कहीं से ऊपर जाने का रास्ता है। और ये देखिए, ये इस टाइप से, और ये सिद्धार्थ गया उस स्टेज के ऊपर जिस स्टेज की हम आपसे बात कर रहे थे। तो ये है वह जगह, तो भाई बड़ी यूनिक सी जगह है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये एक मेन जगह है, ये यहाँ पर वो लोग बैठते होंगे जो राजा महाराजा या यहाँ के जो शासन करने वाले होंगे, ये वहाँ यहाँ पे वो लोग बैठते होंगे और यहाँ बैठ के वो पूरा नज़ारा लेते होंगे। और ये काइंड ऑफ सम स्टेज बना हुआ है जहाँ पे हो सकता है कि शायद कोई डांस वगैरह होता होगा। तो अभी आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे एक और भी इसी टाइप की ही एक जगह है जहाँ पर और भी कुछ इसी टाइप के अवशेष हम देख पाएंगे। तो ये है गाइस प्राचीन अग्रोहा स्थल जो कि फाइंड किया है यहाँ के पुर्तगाल विशेषज्ञों ने। और ये वो दुकानें जो मैं आपको बता रहा था, इस टाइप से ये दुकानें हैं। और ये है यहाँ की जगह। आ जाओ सिद्धार्थ, इधर से आ जाओ सिद्धार्थ, आ जाओ सिद्धार्थ, आ जाओ बेटे। तो सिद्धार्थ कर रहा है इस जगह को एक्सप्लोर और एंजॉय कर रहा है इस जगह को, देख लीजिए फ्रेंड्स। ये भी एक आपको गलियारा नजर आ रहा होगा, यहाँ से बीच में से निकलने का एक रास्ता है, और इसके ऊपर भी दो टीले बने हुए हैं। आई डोंट नो कि किस टाइप से इन्होंने यहाँ पे नक्शा प्लान किया होगा, बट जैसे भी प्लान किया होगा, उस टाइम का जो आर्किटेक्ट होगा वो, ये नीचे आप देख रहे हो, ये इस टाइप से यहाँ पे ना बीच में खाली जगह है, ये इस टाइप से यहाँ पे काफी मतलब डीप और खाली जगह है, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ होगा रहा होगा। और अभी हम चलते हैं गाड़ी में क्योंकि गर्मी है बहुत ज्यादा, तो ये सामान गाड़ी स्टार्ट करके रखी हुई है, थोड़ा तेज करना यार एसी, बहुत गर्मी लग रही है। तो फ्रेंड्स इतनी गर्मी है ना यहाँ पर कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। देखो, हाथ को देखो,
सिद्धार्थ पसीने के अंदर हो चुका बिल्कुल पूरा पसीना पसीना, और मैं भी पूरा पसीना पसीना भर चुका हूँ। अब हम जा रहे हैं आगे, यहाँ से ये आगे से एक और टर्न आया लेफ्ट लेने के लिए, तो ये आ गई है वो जगह, और ये कुछ उससे बड़ा लग रहा है देखने में कि वहाँ पर जैसे हम देख के आए हैं उससे कुछ बड़ा है। और ये हम आ गए हैं दूसरी जगह पर, और ये देख लीजिए ये इस टाइप से है ये जगह, अग्रोहा पुर्तगाली विभाग की खोजी एक खोज जो कि है इस टाइप से, और मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ अग्रोहा धाम भी, यहाँ से आपको साफ साफ नजर आ पाएगा, ये अग्रोहा धाम आपको दिखाई दे रहा है। बेसिकली ये जगह भी अग्रोहा के अंदर ही है, और ये है अग्रोहा धाम, आपको हनुमान जी की मूर्ति नजर आ रही होगी बैक साइड से। तो हम अग्रोहा धाम के जस्ट बैक साइड पे हैं और इस जगह को कर रहे हैं एक्सप्लोर, और अभी मैं एक बार इसको दिखा देता हूँ फटाफट से, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है गाइस, तो इसको फटाफट से हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है देखने के लिए। तो ये है इस टाइप से यहाँ पे एंट्रेंस, तो यहाँ से हम जा रहे हैं इसके अंदर, तो ये सिद्धार्थ कर रहा है इसको एंजॉय। ये देखिए गाइस, ये तो प्रॉपर एक सिटी लग रही है कि चारों तरफ चार दीवारी टाइप से चार दीवारी की हुई है, ये किले की तरह कुछ किले के टाइप से कुछ है, ये बीच में जगह और ये चारों तरफ से इसके चार दीवारी है, और यहाँ पे आप देखोगे तो फिलहाल यहाँ पे अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ये सिर्फ ऐसा लग रहा है कि एक सम काइंड ऑफ पार्क टाइप बना रखा है इन्होंने, लेकिन चार दीवारी की हुई है तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ ना कुछ वाटिका या फिर कुछ टाइप ऑफ नर्सरी कुछ हो सकता है। तो ये चारों तरफ की, और ये चारों तरफ पिलर है, ये आप देख सकते हो कि वहां भी एक पिलर है, यहाँ पे सिद्धार्थ खड़ा हुआ था, एक पिलर वो है, और ये है इसका गेट एंड, तो ये है इसका एंट्रेंस गेट जहाँ से सुमन ने एंटर किया, एग्जिट और एंट्रेंस गेट दोनों यहीं पर है, और ये इसके एक साइड पे है पिलर, जैसे कि हम किलों के अंदर देखते हैं कि कोनों पे एक पिलर बना देते हैं जहाँ पे सैनिक वगैरह खड़े होते हैं, तो ये इस टाइप का पिलर यहाँ पे भी दे रखा है, और सेम पिलर दे रखा है सेकेंड साइज पे साइड पे, और ये उधर भी है सेम, और ऐसा ही एक है वहां पर, और ये देखिए ये सुमन ईंट दिखा रही है कि इनके टाइम पे जो ईंट यूज होती थी वो इस टाइप की होती थी, तो ये इस टाइप की ईंटें यहाँ पे बनाई गई हैं। और ये देखिए आप, ये है इसका एंट्रेंस जहां से हम एंटर करते हैं, उसके सामने एक जगह है ये जहाँ पर शायद कुछ लोग सैनिक या कोई और लोग बैठे होते होंगे, और यहाँ से एंटर करने से पहले हमसे पूछताछ की जाती होगी कि आप लोग अंदर वाटिका में जा रहे हो घूमने के लिए तो क्या है इसका रीजन। और ये है वो सड़क जिस सड़क से हम लोग ने यहाँ पे एंटर किया, और एंटर करते ही हमें ये सबसे पहले एंट्रेंस के अंदर दिखाई देता है कि ये जो एंट्रेंस आपको देख रहे हो जहाँ गाड़ी खड़ी हुई है, तो ये इसकी मेन एंट्रेंस रहती होगी, तो ये इसकी मेन एंट्रेंस है, इस तरफ पे उस तरफ पे लगे हुआ पिलर, और इस तरफ से आप देखोगे तो इधर भी एक पिलर है, और इस एंट्रेंस के अंदर अंदर घुसने के बाद यहाँ से आपको एंटर करके अंदर जाना होता है, और अंदर जाके आता है वो पार्क, तो इधर से हम चलते हैं दूसरी साइड पर, इसके बाहर जाते हैं जहाँ पे हम, तो इसके बाहर जाते हुए इस टाइप से इसका बॉर्डर है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं है, ये बस इसी के चारों तरफ घूमने का रास्ता है, तो हम लोग बाहर की साइड मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये अभी इसकी ईंटें वगैरह टूटी हुई है, शायद हो सकता है बारिश की वजह से तूफान की वजह से ये ईंटें जो है टूट टूट के गिरी हुई है, और अदरवाइज ये है इसका प्रॉपर आउटसाइड एरिया, तो ये इधर से भी ईंटों का ढेर है यहाँ पर, और ज्यादा कुछ नहीं है गाइस, तो ये भी इसकी आउटर स्पेस है, तो जहाँ से मतलब इसके बॉर्डर एरिया है, और ये यहाँ पर इसका मेन यही था, ये सिद्धार्थ है ऊपर वो पिलर जब आपको दिखा था वो है ये पिलर, और ये है इसकी ईंटें, आप देख सकते हो कैसी ईंटें इन्होंने यूज की है, छोटी छोटी ईंटें हैं, और कुछ मिट्टी टाइप से इन्होंने इसको लगाया हुआ है, और वो भी उस साइड पे भी ऐसा ही एक पिलर का स्तंभ है, और ये बाकी सारा सेम, और यहाँ से चलते हैं वापिस। तो अभी सुमन ड्राइव कर रही है, सिद्धार्थ पीछे बैठना, ये देखो फ्रेंड्स ये पसीने के अंदर इसके हालात कैसे हो रखे हैं, ये देखो पसीने पूरा पसीने में भरा हुआ है। तो फिलहाल अभी इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म, वैसे तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा वीडियो खत्म करने का, सुमन तेज करना इसी, गाइस इतनी गर्मी है यहाँ पर कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, भाई सामने अग्रवाल धाम की वो हनुमान जी की दिखाई दे रही है, भाई ये दोनों साइडों में बड़ा ये अपना बड़ा डेंजरस लग रहा है, दिखा रहा है इन साइड की, इसमें टायर घुस सकते हैं सही रेस।
ये है गाइस इनका ऑफिस जहाँ पर से ये ऑपरेट करते हैं इस पूरी जिला को। यहाँ से इसको ऑपरेट करते हैं, ये इन्होंने ऑफिस बना रखा है अपना, और ये यहाँ से उसको ऑपरेट करते हैं। और ये जगह थी जहाँ से हम लोग गए थे और अभी हम वापस जा रहे हैं नीचे की तरफ। सो ये है गेट, यहाँ से हमें निकलना है वापस। फ्रेंड्स मैं फटाफट से जाता हूँ और वो गेट को खोल के आता हूँ क्योंकि गेट है बंद। हम लोग इसको खोल के अंदर चले गए थे और यहाँ पे कोई भी चौकीदार वगैरह नहीं था, तो मैंने इसको खुद ही खोल दिया था ये दिखाने के लिए कि इसको मैंने पहले भी खुद ही खोला था एंटर करते हुए भी, और मैं इसको जाते हुए भी खुद ही खोल रहा हूँ। और जाते जाते इसको हम बंद कर देंगे क्योंकि भाई हिस्टोरिकल प्लेस है तो इसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और ये सुमन चला रही है गाड़ी, तो फिलहाल मैं सुमन से लेता हूँ गाड़ी क्योंकि काफ़ी डीप है यहाँ से, काफ़ी एकदम फ्लैट है।